Hello student, how are you? Now we are studying about chapter number 9, that is the motions. तो motions के बारे में पढ़ रहे थे. आज के chapter number 9 जो motion हम पढ़ रहे थे, तो उसमें हमारे आज का topic है distances. Distances का मतलब क्या होता है? दूरी. ये इस word को आप अच्छे से जानते हो. Distances का मतलब क्या होता है बेटा? दूरी. इंग्लिश school क्या बोलते हैं? दूरी. दूरी का मतलब क्या होता है? A length of space between two points. दो point हो गए, ठीक है. तो ये point हो गया, suppose करें एक तो ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, तो इनके बीच में जो जगह होगी उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंसेस, ठीक है. फॉर एग्जांपल द लेंथ ऑफ स्पेस बिटवीन अ प्लेस, जैसे दो जगह के बारे में बात करते हैं. जैसे एक जगह तो हमारे पास में अभी बैठे हैं, वो सेकंड वाले जो हमारे पास प्लेस हो गया आगरा. तो आगरा और हमारे पास में जो दिल्ली है उसके बीच में जो डिस्टेंसेस कितनी है? 200 किलोमीटर. कितनी किलोमीटर है? 200 किलोमीटर है. तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास में जो दिल्ली है और हमारे पास में आगरा है उसके बीच में जो डिस्टेंस कितनी है? 200 किलोमीटर, ठीक है. उनके बीच में कितना स्पेस है? 200 किलोमीटर, ठीक है. इफ विदर टू पॉइंट आर क्लोज बाय द डिस्टेंस देन दे विल बी स्मॉल, ठीक है. यदि इनके जो पॉइंट होते हैं, ठीक है, जैसे आगरा और दिल्ली है, ये इनके बीच में जो जैसे आगरा का पॉइंट हो गया या दिल्ली वाला पॉइंट हो गया, यदि ये पास पास में रहते हैं, ठीक है, तो इनके बीच में डिस्टेंस क्या होती है? कम रहती है. और यदि दूर दूर रह रही है, इनके जो पॉइंट होते हैं वो दूर दूर है, तो हम ये बोल सकते हैं कि इनके बीच में डिस्टेंस भी ज़्यादा होती है. मतलब आगरा और जो हमारे पास में जो दिल्ली है, ठीक है, इनके बीच में लेंथ क्या है? ज़्यादा है, ठीक है. लेंथ क्या है बेटा? ज़्यादा है. जैसे आगरा हो गया, ये दिल्ली हो गया, ठीक है. और ये आगरा हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया? दिल्ली हो गया. तो इनके बीच में क्या हो रही है? डिस्टेंस भी ज़्यादा है, ठीक है. डिस्टेंस ज़्यादा है तो यहाँ पर जो लेंथ है वो क्या रहेगी? ज़्यादा रहेगी. और इसलिए इनके बीच में डिस्टेंस कम रहेगी तो लेंथ भी कम रहेगी. तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस है, ठीक है. मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेज को हम ये बोल सकते हैं, मेजरमेंट ऑफ लेंथ भी बोल सकते हैं, कि जो हम जो लेंथ की इनके बारे में लेंथ के बारे में बोल सकते हैं और मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेज के बारे में बोल सकते हैं. दोनों क्या होते हैं? सेम चीज़ ही होती है. अब हम डिस्कस करेंगे मेजरमेंट के बारे में. मेजरमेंट का मतलब क्या होता है? किस चीज़ को हम जैसे नापते हैं, ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हम जिस एक चीज़ को नापते हैं, ठीक है. मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट. हम किसी चीज़ को नापने के लिए जो हमारे स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट चाहिए, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मेजरमेंट. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे वी आर गोइंग टू द क्लोथ, जैसे कि कपड़े की दुकान पर जाते हैं फॉर बाइंग, वो इसको यूनिफॉर्म, जैसे इसको यूनिफॉर्म बनाने के लिए कपड़े की दुकान पर जैसे कपड़ा खरीदने के लिए जाते हैं, ठीक है. तो शॉपकीपर क्या करता है? मेजर द क्लोथ बाई कंपेयरिंग. तो वो शॉपकीपर हमारे नाम लेता है और उसी के हिसाब से अपना कपड़ा काट के हमको देता है, ठीक है. तो वो कपड़ा हमें जो काट के देता है वो एक लेंथ में, मतलब उसको एक यूनिट चाहिए जिससे वो कपड़ा काट के हमको देता है. उस लेंथ को हम क्या बोलते हैं? मीटर. मतलब वो हमको जो कपड़ा काट के देगा वो 2 मीटर, 2.5 मीटर, 3 मीटर ऐसे काट के देगा, ठीक है. तो उसी के अनुसार हमारे पास हम क्या बोलते हैं? टेलर के पास हम जाएंगे, वो उसको सिलाई करके हमको देगा. एंड वी आर गोइंग टू स्टिचिंग द यूनिफॉर्म. जैसे हम हमारे स्कूल यूनिफॉर्म को सिलाने के लिए टेलर के पास में जाएंगे, इंडेक्स ऑफ मेजरमेंट. तो वो क्या करेगा? मेजरमेंट करेगा, हमारी बॉडी का मेजरमेंट करेगा कि यहाँ से मतलब थाई से लेके यहाँ तक कितनी उसकी जो लेंथ है, हेड्स की लेंथ कितनी है, पेट की लेंथ कितनी है, ऐसा वो मेजरमेंट करेगा. ऐसा मेजरमेंट क्यों करेगा? ये तो मेजरमेंट करेगा ही नहीं, ठीक है. तो वो अच्छी तरह से तो पेंट है उसकी सिलाई नहीं कर सकता, वो पेंट अच्छी तरह से सिलाई नहीं हो सकती, वो फिट नहीं आ सकती, हमारे प्रॉपर तरीके से हमारी फिट नहीं हो सकती. क्यों? क्योंकि उसको बिना मेजरमेंट के वो कैसे सिल सकता है? तो एक यूनिट चाहिए किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए, ठीक है. तो वो डेली लाइफ में हमारे काम में आती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम जैसे किसी भी चीज़ को नापते हैं, जैसे कुछ वजन है उसको हम नापते हैं, ठीक है. तो उसके लिए भी या तो हम उसको लीटर में नापेंगे या उसको किलो में नापेंगे, ठीक है. तो ये हमें मेजरमेंट की कुछ इकाई है. ये जो हम ये डिस्कस करेंगे कि द नीड ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट की. हमारे पास में जो स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट की स्टैंडर्ड यूनिट की क्यों जरूरत है किसी चीज़ को नापने की? जैसे इस फिगर में आप देख रहे हैं, फिगर नंबर 18 में, जैसे कि एक हाथ से हम किसी चीज़ को नाप सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं हेड स्टैंड. क्या बोलते हैं? हेड स्टैंड. और एक ऐसे हमारे पास में एक बाजू से हम इसको नाप सकते हैं, इसको बोलते हैं क्यूबिट. क्या बोलते हैं? क्यूबिट. और दो जो पैर होते हैं उनके बीच में जो डिस्टेंसेज होते हैं उनको क्या बोलते हैं? फुट स्टैंड. तो इनके द्वारा भी हम दूरी नाप सकते हैं. कि एक हाथ से हम दूरी नाप सकते हैं, ठीक है. और ये जो एक जो हमारे पास में यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है उसके द्वारा भी दूरी नाप सकते हैं, पैरों के द्वारा भी दूरी नाप सकते हैं. लेकिन हमारे पास एक कुछ पुराने ज़माने के यूनिट्स हैं, ठीक है, जिनके द्वारा हम किसी भी चीज़ की लेंथ को हम क्या करते हैं? मेजर कर सकते हैं. लेकिन हमारे पास में अभी ये हमारे पास में मेजर प्रॉब्लम ये आ गई कि ये हमारे पास में स्टैंडर्ड यूनिट है,
उसकी जो टीम के ऊपर जिस इस फिगर में आप देख रहे हो, इस फिगर में आप देख रहे हो कि ये जो लड़का है ठीक है वो बड़ा है, और तो हमने डिस्कस किया कि ये हाथ वाला जो हेड यहाँ से लेके यहाँ तक एक मिनट हो गया ठीक है, इसका हाथ थोड़ा बड़ा है ठीक है तो ये ज़्यादा डिस्टेंस को कवर करेगा, और इसका हाथ यहाँ से लेके यहाँ तक छोटा है तो ये भी एक मिनट हो गया और ये भी एक मिनट हो गया, लेकिन इसकी ज़्यादा डिस्टेंस को नापेगा ये कम डिस्टेंस को नापेगा क्योंकि इसका जो हाथ है ठीक है वो बिल्कुल छोटा है, तो ऐसे हम एक्यूरेट डिस्टेंस को नहीं नाप सकते, इसलिए हमें स्टैंडर्ड यूनिट से ठीक है। तो एक मेजरमेंट कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ ए नंबर एंड ए यूनिट, तो एक जो हमारे पास जो मेजरमेंट होता है वो एक नब्बे तक नंबर से जुड़ा होता है, उसके बाद में यूनिट से जुड़ा था। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे 2 मीटर ठीक है, 2 मीटर हम लिखेंगे तो उसको पहले तो नंबर आएगा, उसके बाद में उसकी यूनिट आएगी कि वो मीटर में है ठीक है, वो मिलीमीटर में है, सेंटीमीटर में है ठीक है, तो ऐसे उसकी क्या है कि यूनिट आएगी ठीक है। तो आज के इस यूनिट लेक्चर में इतने डिफरेंट टाइप के जो उसके जो डिफरेंट टाइप के जो मेजरमेंट हो गए ठीक है, उनकी यूनिट होगी उनके बारे में डिस्कस किया, जैसे हमने किस चीज़ को मीटर में नापते हैं, सेंटीमीटर में नापते हैं, मिलीमीटर में नापते हैं ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप के जो